भाई साहब, नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसको देने के बाद एक नॉर्मल स्टूडेंट डॉक्टर बन जाता है, और वो डॉक्टर लाखों लोगों की लाइफ सेव करता है। अपने पूरे जीवन काल में कितने लोगों के दुख को ख़त्म करता है, उनकी पीड़ा को ख़त्म करता है, उनको मुसीबत से निकालता है, मौत के मुंह से निकाल के लोगों को बाहर लेके आता है। लेकिन इस बार 2024 में जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें आप लोग देख रहे हैं भाई कैसा हो रहा है। इतना बड़ा स्कैम सब कुछ, मतलब यहाँ पे कुछ गलती तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का भी है। आई एम सॉरी बट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का भी है। अब आप ही सोचिए ना, हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि अब 60+ बच्चा को 720 में 720 आ रहा है। हाँ, और वो भी एक ही सेंटर पे से इतना कितना सारा बच्चा है जिसको 720 में 720 आ रहा है। और एक बात और कि भाई देखिए, अभी आप 2022 का देखिएगा तो आपको एक 720 आउट ऑफ 720 लाने वाली स्टूडेंट दिखेगी, तनिष्क का यादव था शायद। और 2023 में दो स्टूडेंट है। अगर 2024 में आता भी भाई तो 10 आ सकता था, 12 आ सकता, 20 आ सकता था। भाई इक्के बार 60+ स्टूडेंट लिया है 720 आउट ऑफ 720। और ऐसा था भाई, हम नहीं कह रहे हैं लेकिन बहुत सारे न्यूज़ में भी बताया जा रहा है कि नीट का पेपर लीक हुआ था। हालांकि NTA इस बात पे कोई भी जवाब नहीं दिया है कि मतलब लीक हुआ है, चाहे उसका कहने के हिसाब से कि नहीं, नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारे न्यूज़ चैनल है जो बताता है कि भाई ये जो नीट का पेपर है लीक हुआ है, बहुत जगह प्रॉब्लम है। कुछ बच्चा बोलता है वो टाइम पे मिला नहीं था पेपर हमको, कितना सारा ग्रैस मार्किंग मार्किंग भी हुआ है, नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है, बहुत सारा बात है। तो मतलब 2024 में इतना मतलब लफड़ा हुआ है नीट के एग्जाम में कि क्या बताएं। और आप लोग तो जानते हैं ना कि नीट का एग्जाम हम भी दिए थे, इस पर हम एक ब्लॉग भी बनाए थे। आप लोग नहीं देखे होगा तो देख लीजिएगा, एग्जाम के दिन का ब्लॉग, नीट के एग्जाम देने जा रहे थे उस दिन का ब्लॉग हम बनाए थे, देख के तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं देखे होगा तो। तो भाई मतलब बात करने का ये हुआ कि हम मतलब हम पहले अपना रिजल्ट बता दें आप लोगों को। मेरा रिजल्ट ऐसा है कि भाई मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहेंगे, MBBS नहीं मिलेगा, लेकिन हमको BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड साइंस, BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड साइंस, BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ये सब मिल जाएगा हमको। मतलब आपका भाई एक ब्लॉगर से आपका डॉक्टर बन सकता है, समझ रहे हैं? तो मतलब काफ़ी मज़ेदार हो जाता है ना, जब हम अपने प्रोफेशन में चल जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, तो हम आपको दिखाएंगे भाई कि देखिए मेडिकल कॉलेज में ऐसा होता है, भाई देखिए ये यहाँ पे घूमने, उस टाइम बहुत फ्री हो जाएंगे ना कि भाई इधर उधर बाहर घूम सकते हैं। ऐसे तो आप लोग देखते हैं काफ़ी घर में ही रहते हैं ज़्यादा टाइम, बहुत कम जाते हैं। और आप लोग तो जानते हैं कि जब एक बार डॉक्टर बन जाएंगे तो मतलब काफ़ी घूमने का होगा, तो आप लोग को काफ़ी कुछ अच्छा दिखाएंगे, काफ़ी कुछ आप लोग को न्यू चीज़ देखने को मिलेगा। तो खैर ये सब बात तो होते रहेगा। तो क्या बात है कि मतलब इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हमको एडमिशन अभी लेने के लिए हमको, मेरा ख्याल है कि MBBS लेना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पापा भी बोला कि एक बार तैयारी कर लो, तू 2025 के एग्ज़ाम दे लो, उसमें हम लोग देखते हैं। तो हाँ, क्योंकि भाई हम 2025 का एग्ज़ाम देंगे, गारंटी के साथ आप लोग को लिख के देना कि इसमें मेरा हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते थे, इसमें भी किए थे, इतना अच्छा नंबर आ गया था कि भाई मेरा एडमिशन हो सकता है गवर्नमेंट में, MBBS छोड़ के। 600+ नहीं है मेरा, तो इतना हो सकता था, लेकिन इस बार लफड़ा इतना हुआ है कि क्या बताएं। दोबारा नीट का एग्ज़ाम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए नीट का एग्ज़ाम, लेकिन आप लोगों को क्या पता है कि 2024 का अगर नीट का एग्ज़ाम दोबारा लिया जाता है तो गवर्नमेंट को 2000 करोड़+ खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन उसका भरपाई कौन करेगा? अरे गवर्नमेंट ही करेगा यार। लेकिन गवर्नमेंट इतना भी, अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ है तुरंत, और अब 2200 करोड़ का फिर से खर्चा मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा गवर्नमेंट। इसलिए शायद गवर्नमेंट का कहना है कि NTA नीट का एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बार लफड़ा हो गया है। अब मजाक बना लिया भाई, 720 में 720 60 हो बच्चा से ऊपर को आ रहा है, मतलब हो सकता है मेहनत से भी लाया हो। अगर आपको भाई सबका एग्ज़ाम नहीं लेना है तो आप ऐसा करो ना कि आप उस सबका एग्ज़ाम ले लो जो 720 में 720 लिया है। हम ये नहीं करेंगे कि सब 720 में 720 से दोबारा लिया है, 600 690 650 लिया है, चलता है। लेकिन वही उसी समय से बच्चा में से अगर कोई 300 400 या 200 नंबर ला रहा है, तब से सीधा मतलब निकलता है ना कि वो चीटिंग किया है। तब आपको क्या करना है? तब तो सबका एग्ज़ाम लेना चाहिए ना, क्योंकि तो बहुत गलत हुआ है भाई यहाँ पे, हम समझ रहे हैं सब गलत हुआ है। लेकिन भाई देखिए, हम तो ना कोई पॉलिटिशियन है या फिर ना ही हम कोई बहुत ज़्यादा अमीर इंसान है कि इस पर आवाज़ उठाएं, हम तो बस एक अपना राय दे सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं। तो ये सब गलत हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हर बात में भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट करता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यही सब हुआ है 2024 में, बहुत सारा लफड़ा हुआ है। हालांकि NTA तो कह दिया कि 2024 का एग्ज़ाम दोबारा नहीं हम लोग लेंगे। इसका ये कारण भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, इलेक्शन अभी अभी ख़त्म हुआ है, और ये
दोबारा 2024 का नीट का एग्जाम, मतलब 200 करोड़ का खर्चा, ये भी हो सकता है कारण, या फिर अपना भी NTA के हिसाब से वो हो सकता है वो सही कर रहा हो कि भाई नहीं हम CCTV कैमरा देखे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो ये भी बात हो सकता है, लेकिन दोबारा नीट का एग्जाम होना चाहिए। खैर गाइस, हम यही बताना चाह रहे थे कि आपका भाई जो है 2025 का एग्जाम देगा, 2024 में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि भाई देखिए ना BDS में अगर हम एडमिशन ले लें बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, अभी से 4 साल पढ़ेंगे, 4 साल बाद भाई 20-25 हज़ार का नौकरी में क्या होगा, गुजारा कैसे होगा आपके भाई का बोलिए। गुजारा कैसे होगा, आप लोग आइएगा दांत का इलाज करवाने, दांत का इलाज करवा के आजकल कोई पेशेंट अंदर कोई स्कोप है हम जानते हैं, लेकिन फिर भी BDS हमको अच्छा नहीं लगता है, होम्योपैथी में भी उतना ज़्यादा मतलब है स्कोप सब में है, लेकिन फिर भी हमको उतना अच्छा नहीं लगता है, और मेरा मेरा ज़्यादा अच्छा हमको लगता है ना MBBS ज़्यादा बढ़िया है, और MBBS में हमको भाई गायनेकोलॉजिस्ट हमको अच्छा लगता है, गायनेकोलॉजिस्ट हमको बनने का शौक था है, तो हम सोच रहे हैं 2025 का तैयारी करते हैं और MBBS ही लेंगे, ठीक है, और देख सकते हैं ये बुक सब भी है मेरे पास, तो हम ये तैयारी भी करेंगे। और आप लोग को एक बात बता रहे कि बड़ा बड़ा ब्लॉग हो सकता है कि नहीं है, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन मिनी ब्लॉग जो है आप लोग अभी हाल ही में देख रहे हो कि मिनी ब्लॉग डालना है 6-7 दिन से, तो मिनी ब्लॉग जो है आपको साल भर मिलेगा, लंबा लंबा ब्लॉग नहीं मिलेगा, लेकिन मिनी ब्लॉग आपको डेली मिलेगा, ठीक है, तो आप मिनी ब्लॉग देख सकते हैं और अपने भाई के साथ जुड़े रह सकते हैं। तो खैर गाइस, इस वीडियो में हमको ये बताना था कि नीट इतना बड़ा स्कैम कर दिया, हम क्या बताएं, बहुत दुख हो रहा है हमको इस बात का, एकदम दिल में दुख है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो खैर, इस वीडियो के लिए नहीं, गुड बाय, टाटा।